नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने कहीं से फाइनेंस कराया था लेकिन वो फाइनेंसर का नाम नहीं मिल पा रहा है, मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन फाइनेंस तो करा लिया था मैंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, जिसके वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप ये पता कर सकते हैं कि कहां से आपने फाइनेंस करवाया था और फाइनेंसर का नाम क्या था। आज से करीबन 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि लोन अकाउंट नंबर कैसे पता कर सकते हैं। उसी में ही काफी सारे लोगों का ये कमेंट था कि सर फाइनेंसर का नाम कैसे पता करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंसर का नाम कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपना क्रेडिट स्कोर इधर उधर या सिविल स्कोर या आप ये मान के चलिए कि अपना क्रेडिट रिपोर्ट कहीं से निकलवाते हैं, तो ये थर्ड पार्टी ऐप पे मत जाइए। जैसे क्रेडिट मंत्री पे आप चले गए, पैसा बाजार में चले गए या इधर उधर जाके जो है आप डिटेल फिल कर देते हैं। यहां पर क्या होता है कि आपके पास फालतू के कॉल्स और मैसेजेस आने लग जाते हैं और आप परेशान होते हैं कि मैं जो चीज के लिए जहां पर गया था वो तो मिली नहीं, लेकिन उल्टे ही कॉल्स आने लग गए, क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो। तो आप जो है आप क्या करें कि आप ट्रांसयूनियन की वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्टली वहां पर आपको अपना क्रेडिट स्कोर जेन्युइन और सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ जो है वहां पर आपको मिल जाएगी। आपको यहां वहां कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज तक कहां कहां आपने अपना पैन कार्ड यूज किया है वो एक्स वाई जेड जितनी भी डिटेल है वो सारी आपकी यहीं से ही निकल जाएगी। अब यहां पर रजिस्टर कैसे होना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेंबरशिप लेके मैं वहां पर चेक करूं तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन वो पेड होता है, आपका 1 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है, 12 महीने के लिए, 3 प्लान है उनके पास, 550, 800 और 1200। इसका जो है आपको जो है ये पे करना पड़ता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि वो फाइनेंसर का नाम क्या था। इवन वो लोन अकाउंट नंबर भी आपको पता चल जाएगा, वो लोन अकाउंट नंबर क्या था उस फाइनेंस जब मैंने जहां से फाइनेंस कराया था। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बस 2 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा और जो है मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे जो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो फाइनेंसर का नाम एक्चुअल था क्या। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने ट्रांसयूनियन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है। अगर आप भी ये पता करना चाहते हैं कि कहां से आपने फाइनेंस कराया था, उस फाइनेंसर का नाम क्या है, तो यहां से आपको वो मिल जाएगा। अब रजिस्टर कैसे होना है, वीडियो के नीचे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। और कैसे लॉगिन करना है तो वो ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए जो है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल रखा है। आप जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही दोस्तों आप करेंगे तो आपका सबसे पहले जो इंटरफेस ओपन होगा वो होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, तो एग्जैक्ट क्रेडिट स्कोर आपको यहां पर दिखा देगा। अभी मैं आपको अपना भी क्रेडिट स्कोर दिखाऊंगा कि मेरा क्रेडिट स्कोर आज के डेट में कितना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये मेरा क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है वो 776 दिखा रहा है और ये 10 जुलाई 2023 तक का ही अपडेट है यहां पर। तो यहां पर मेरे को क्या करना है दोस्तों कि सब मैं आपको डिटेल में जल्द लेके जाऊंगा। तो यहां पर आपको जाना है दोस्तों कि क्रेडिट रिपोर्ट पे, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो उस क्रेडिट रिपोर्ट पे जाना है और क्रेडिट रिपोर्ट पे जाने के बाद ही जो है आप अपना डिटेल सारा चेक कर पाएंगे। जैसे आप क्रेडिट रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको जाना है यहां पर अकाउंट इंफॉर्मेशन पे, और आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। आज से मान के चलिए कि आज से 10 साल पहले भी अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आज से करीबन जो है मैंने 5 से 6 साल या 10 साल आप मान के चलिए कि पहले जो है एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन हुआ था। अब यहाँ पर देखिए HDFC बैंक का है, अगर आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो डेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डेट ऑफ ओपन 17 नवंबर 2014 का है और इतना अमाउंट था। अब ये कहाँ से फाइनेंस हुआ तो आप मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा कि ये जो है HDFC से फाइनेंस हुआ है। तो HDFC से फाइनेंस हुआ था तो मेरे को ये पता चल गया कि HDFC फाइनेंसर था यहाँ पर, या महिंद्रा फाइनेंसर यहाँ पर है, होम क्रेडिट का है, ये SBI का है। तो अब यहाँ पर जो है मेरे को सारे फाइनेंसर के नाम पता चल जाएंगे कि जहाँ जहाँ जो है मैंने कहाँ से लोन लिया था आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ मेंबर नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, ऑनरशिप। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि मेरे को कहाँ से फाइनेंस हुआ था, तो ये बजाज फिनसिप से फाइनेंस हुआ है, कंज्यूमर लोन मैंने ये लिया था, ये उसका लोन अकाउंट नंबर है और ये इंडिविजुअल मतलब मैंने खुद से ही लिया हुआ है। अगर मान के चलिए आप दो लोगों के साथ मिलके लेते हैं तो कभी इस तरीके का आपका लिख के आएगा।
अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए सब में इंडिविजुअल है, यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है ये, मतलब यहां पर या तो आप गारंटर हो सकते हैं या आपने दोनों ने मिला के डॉक्यूमेंट जब दिया होगा तो उस टाइम पे यहां पर ज्वाइंट अकाउंट आ जाएगा। एक और यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है, थोड़ा सा यहां पर स्क्रॉल डाउन मैं करना चाहूंगा, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये भी है ज्वाइंट अकाउंट, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले HDFC का दिखा रहा था। अब मेन पर्पज था वीडियो बनाने का कि जो लोग कहते हैं कि सर ये फाइनेंसर कौन था, मैं तो भूल चुका हूँ या मेरे को पता नहीं चल पा रहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे फाइनेंसर के नाम लिखे हुए हैं, ये सब जो है इन्होंने जो है मेरे को फाइनेंस किया हुआ है। HDFC, HDFC मथूट, HDFC बजाज फिनसिव होम क्रेडिट, बजाज RBL, ये तो क्रेडिट कार्ड हो गया, RBL का क्रेडिट कार्ड है ये पर्सनल लोन था RBL का, ये IDFC का है, ये होम क्रेडिट का है, ये HDFC का है, ये बजाज फिनसिव का है, तो मतलब जितने भी फाइनेंसर हैं वो सारे फाइनेंसर के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे फाइनेंसर के नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारा फाइनेंसर है जिन्होंने मेरे को अभी तक फाइनेंस किया है, आज से करीबन 10 साल पहले भी जिन्होंने मेरे को फाइनेंस किया है, तो उसका भी यहाँ पर HDFC बैंक, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये ज्वाइंट अकाउंट है, तो सारे फाइनेंसर के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके आपको फाइनेंसर का नाम तो पता चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ ये लोन अकाउंट नंबर भी आपको सबके पता चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।